लाहौर में साबिक वज़ीरे ख़ज़ाना इशाक डार की रिहाइशगाह के बाहर से पनाहगाह का बोर्ड हटा दिया गया है। हुक्म इम्तनाई के बाद ज़िले इंतजामिया एक्शन में आ गए। इशाक डार की रिहाइशगाह को खाली कराने का अमल शुरू कर दिया गया है। इसी बारे में मज़ीद तफ़सीलात जान लेते हैं। अली रज़ा हमारे साथ मौजूद हैं। अली रज़ा, पनाहगाह बनाया गया था, इसको अंदर बिस्तर भी लगा दिए गए थे, डाइनिंग टेबल्स लगा दी गई थी, अब क्या सूरत हाल है? आज बिल्कुल, साबिक वजीर ख़जाना इसहाक डार की रिहाइश का हजवेरी हाउस को पनागा में तब्दील कर दिया गया था, लेकिन अदालत के हुक्म के बाद अब हजवेरी हाउस को खाली करवा लिया गया है। और हजवेरी हाउस के बिल्कुल सामने एक पार्क है, वहां पर आर्जी तौर पर पनागा बनाई गई है और एक कंटेनर लगाकर जो लोग यहाँ पर रहने के लिए आए थे, अब उन्हें कंटेनर में ठहराया जाएगा। तकरीबन 50 लोग इस कंटेनर में रह सकते हैं। 40 फुट लंबा और 10 फुट चौड़ा ये कंटेनर है। और अब यहाँ पर जो हजवेरी हाउसों से बिल्कुल यहाँ पर खाली करवा लिया गया है और यहाँ पर जो कंटेनर में लोगों को शिफ्ट किया जा रहा है, और अभी यहाँ पर जो इंतज़ाम हैं वो जारी हैं और अभी थोड़ी ही देर में यहाँ पर जो लोग रहने के लिए आए हैं उन्हें कंटेनर रहने के लिए दे दिया जाएगा। जी ठीक है अली रज़ा, बहुत शुक्रिया अपडेट करने का। इम्तनाई के बाद ज़िला इंतजामिया एक्शन में आ गए। इशाक डार की रिहाइशगाह को खाली कराने का अमल शुरू कर दिया गया है। इसी बारे में मज़ीद तफ़सीलात जान लेते हैं। अली रज़ा हमारे साथ मौजूद हैं। अली रज़ा, पनाहगाह बनाया गया था, इसको अंदर बिस्तर भी लगा दिए गए थे, डाइनिंग टेबल्स लगा दी गई थी, अब क्या सूरत हाल है? आज बिल्कुल, साबिक वजीर ख़जाना इसहाक डार की रिहाइश का हजवेरी हाउस को पनागा में तब्दील कर दिया गया था, लेकिन अदालत के हुक्म के बाद अब हजवेरी हाउस को खाली करवा लिया गया है। और हजवेरी हाउस के बिल्कुल सामने एक पार्क है, वहां पर आर्जी तौर पर पनागा बनाई गई है और एक कंटेनर लगाकर जो लोग यहाँ पर रहने के लिए आए थे, अब उन्हें कंटेनर में ठहराया जाएगा। तकरीबन 50 लोग इस कंटेनर में रह सकते हैं। 40 फुट लंबा और 10 फुट चौड़ा ये कंटेनर है। और अब यहाँ पर जो हजवेरी हाउसों से बिल्कुल यहाँ पर खाली करवा लिया गया है और यहाँ पर जो कंटेनर में लोगों को शिफ्ट किया जा रहा है, और अभी यहाँ पर जो इंतजाम हैं वो जारी हैं और अभी थोड़ी ही देर में यहाँ पर जो लोग रहने के लिए आए हैं उन्हें कंटेनर रहने के लिए दे दिया जाएगा। जी ठीक है अली रज़ा, बहुत शुक्रिया अपडेट करने का।